अभी आपकी जय श्री राम में फट करके 56 होकर गले में आ गई है। जब हम हर हर महादेव बोलेंगे तब आपका क्या हाल होगा? जय श्री राम, हाउ वी ग्रीट, हर हर महादेव, हाउ वी ट्रीट। स्वतंत्र रूप से सामने आकर के 300 लोगों ने कहा है कि हम 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम डे मनाया करेंगे, और हम लोगों ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर दी है कि हम लोग एक्स मुस्लिम्स हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जिनके ऊपर अभी तक भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और युवा आइकन राहुल गांधी आज 12 जनवरी को युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया को ये नहीं पता कि जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उस पार्टी के लोग भारतवर्ष में समस्याओं को गिनवाने में लगे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था, कि उनका जो प्रधान है उसको खुद को दिमाग का इलाज करवाना चाहिए था। सारे मुद्दे छोड़कर ये अलग ही चरस बोने में लगे हुए हैं। एक तरफ यह तो कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके चले गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि मुलायम सिंह यादव जी के जो समधि साहब हैं उन्होंने भी अपना खेमा, अपना घर 35 साल के बाद में छोड़ दिया है। हालांकि सारी की सारी पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन इनको बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, बात की शुरुआत करेंगे धर्म से, ले जाकर छोड़ेंगे राजनीति पर, और कुछ लोग आएंगे जो राजनीति से बात की शुरुआत करेंगे और उसको एंगल दे देंगे हिंदू बना मुसलमान का। आप लोग जब भी अपने ऊपर होने वाली हिंसा का जिक्र करेंगे, आपको ये कहकर के साइड कर दिया जाएगा आप तो भाईचारे को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। इसी भाईचारे को बिगाड़ने का एक सबसे बड़ा कार्य इस्लामिक कौम के लोगों ने किया छत्तीसगढ़ में, जहां पर एक दलित परिवार के लड़के का बिना बताए खतना कर दिया गया और उसको मुसलमान भी बना दिया गया। अब इसके ऊपर कोई मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगा, बात तब होती यदि कोई हिंदू अपने घर से चोरी करके गाय को ले जाते हुए शमशाद को पकड़कर उसको दो थप्पड़ लगा देता। यहां पर जबरदस्ती किसी के जननांगों को काट करके उसको मुसलमान बना, अब मुझे ये भी बात समझ नहीं आती कि काट छाट करनी क्यों भाई, काट करके उसको कटवा बना करके कटवा बनाया जा सकता है क्या? जब छोटे बच्चे को आप वैसे ना समझा सको तो जबरदस्ती उसके साथ में करो। और यही जबरदस्ती एक और जगह पर हुई, जहां पर एक हिंदू व्यक्ति ने एक मुस्लिम लड़की के साथ में शादी कर ली थी, उसका छोटा सा बच्चा था, उसको ले जा करके अपने घर उड़ती हुई चिड़िया दिखा करके नीचे से उसकी काट दी गई और उस छोटे बच्चे को भी मुसलमान बता दिया गया और उसका नामकरण भी कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि ये इस्लाम खतरे में क्यों है? इस्लाम खतरे में इसी वजह से है कि जब आप छोटे छोटे बच्चों तलक को भी अपने प्रोपेगेंडा में घसीटने लग जाओ, उनका खतना करके उनके जननांग का अग्रभाग जो स्किन है उसको काट करके उसको मुसलमान बताने लग जाओ, तो यह जो चीज़ है खतरनाक हो जाती है। और इन्हीं वजहों से ही इस्लाम खतरे में आता है। आरफा खानम शेरवानी को पिछले दिनों हमने जो लड़कियों के खतने पर वीडियो बनाई थी उसको देखना चाहिए और उसको पता लग जाएगा कि असली हिंसा कहां पर हो रही है। उसको पता लगना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को जो वो नहीं बता सकते कि इस्लाम क्या है, उसकी टीचिंग्स नहीं बता सकते, वो पैदा नहीं कर पा रहे, उन लोगों के साथ में जो हिंसा हो रही है वो बता देगी कि असली हिंसा क्या होती है मजहब के नाम पर। और ये बात को आप लोगों तक पहुंचाने वाला अंकुर आर्य इस वजह से बदनाम है कि वो तो हिंसा की बात करता है, वो भाईचारे को बिगाड़ने की बात करता है। तो भाई भाईचारा बनता कैसे है? लगातार आप हिंदुओं की लिंचिंग करते रहो, आप उनके बच्चों का मतांतरण करवाते रहो, बम बांध कर कहीं पर भी फूटते रहो, पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं को बदनाम करते रहो, उनके देवी देवताओं पर अनर्गल प्रलाप करते उनको गालियां देते रहो, इस प्रकार से भाईचारा बढ़ता है क्या? कोई भी होगा वो कभी ना कभी तो जवाब देगा ही। हिंदुओं की सहिष्णुता अब तक तकरीबन 800 साल तक लगातार सहिष्णु ही रहे, एक बार जवाब क्या दे दिया आपकी फट करके हाथ में आ गई और कहने लगे कि जय श्री राम का नारा तो कम्युनल हो गया।
मैं एक बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जय श्री राम केवल हमारा एक दूसरे को अभिवादन करने का तरीका है। जय श्री राम हाउ वी ग्रीट। अभी हमने हर हर महादेव तो बोला ही नहीं। आपने भी देखा होगा जब भी सनातनियों का कहीं पर युद्ध होता है और वो आक्रमण करते हैं या हमला करते हैं तो वो हर हर महादेव बोलते हैं, ना कि जय श्री राम का नारा। अभी आपकी जय श्री राम में फट करके 56 होकर गले में आ गई है। जब हम हर हर महादेव बोलेंगे तब आपका क्या हाल होगा? ऐसा ना हो वो सुनते ही 56 के 56 देश फटकर 56 होकर गले में डल जाए। जय श्री राम हाउ वी ग्रीट, हर हर महादेव हाउ वी ट्रीट। और ये जो इस्लाम है ना, ये खतरे में आ चुका है। मैं बताता हूं कैसे आया है। केरल के अंदर स्वतंत्र रूप से सामने आकर के 300 लोगों ने कहा है कि हम 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम डे मनाया करेंगे, और हम लोगों ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर दी है कि हम लोग एक्स मुस्लिम्स हैं। और अभी भी केरल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। यदि ये सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक हैं, सत्य सनातन इस बात की घोषणा करता है प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए से अधिक हम लोग उनकी सहायता में देंगे, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी भी प्रकार से जान का जोखिम, माल का जोखिम उठा करके ही इस तरीके के कदम उठाते हैं, क्योंकि इन लोगों की किताब में स्पष्ट कहा गया है कि इस इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों को सबसे पहले जिबाह किया जाए। इस वजह से सत्य सनातन ने हमेशा से ही एक्स मुस्लिम्स के लिए इनिशिएटिव लिया है। आज एक्स मुस्लिम डे की घोषणा हुई है। खुद आप सोचिएगा कि आपने 1-2 बच्चे का शिश्न का अग्रभाग काट करके आपको लग रहा है कि आपने उनको मुसलमान बना लिया, 300 लोग एक झटके में घोषणा करके बाहर निकल रहे हैं, इस्लाम वहां खतरे में आता है। किसी के जय श्री राम का नारा लगवाने से नहीं, अपने पूर्वजों का नारा लगाने में किसी को भला क्या तकलीफ हो सकती है? अब तो मुसलमान भी अपने नाम के सामने जो चौहान लगाते हैं, चीख चीख करके न्यूज में कह रहे हैं श्री राम जी हमारे पूर्वज थे, हम नारा लगाते हैं जय श्री राम, तो भाई डरते क्यों हो, फटती क्यों है? जोर से लगाओ। जब कोई राम भक्त, कोई बजरंगी आपसे नारा लगवाए तो खुल करके बोलो ना। और जो लोग नारे लगा भी रहे हैं उनके ऊपर फतवे तो मत निकालो ना, नहीं तो ये बात स्पष्ट होती है कि छोटे से प्यारे से मासूम से नारे से ही जब आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है तो आप समीक्षा तो क्या ही झेलेंगे। आप एक सेक्युलर देश के अंदर जहां पर हर एक रिलीजन की समीक्षा हो सकती है, कर सकते हैं, वहां पर आपका भला कैसे चलेगा? छोड़ दीजिए देश, नहीं चल सकेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये एक्स मुस्लिम्स की जो बाढ़ है वो और बढ़ेगी और सवाल पर सवाल वो तो पूछेगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों, हिंदुओं का जहां भी देखिए मान मर्दन हो, अपमान हो, सम्मान की हानि हो, बहन बेटियों का उठाया जाना हो, लगातार जारी है। लेकिन जागते हुए समाज ने इस बात की तो पुष्टि कर दी है कि वो अब और अधिक सहन नहीं करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारियां आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार से अब कंटिन्यू सत्य सनातन पर आपकी जानकारी से भरपूर वीडियोस लाते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर जरूर करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।